एक महिला पकड़ लो बस। कैसी महिला, कहां ऐसी महिला ला करके दो जिसने पराए पुरुष का स्पर्श न किया हो। पूरे इंग्लैंड को छान मारा गया, एक भी महिला इस तरह से नहीं मिली पूरे देश में। जब पूरे देश में नहीं मिली महिला तो विवेकानंद जी ने कहा कि तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाते हो, यहां भगवान नहीं रावण भी नहीं पैदा होगा। और अगर भगवान की आप बात करते हो, चलो भारत के धरती पर इतनी अपवित्रता के बाद भी मैं करोड़ों माताओं को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा जो परम पवित्र। भगवान भारत में ऐसे नहीं जन्म लेते, भगवान भारत में इसलिए जन्म लेते हैं यहां की स्वच्छता, यहां की पवित्रता और यहां की मिट्टी उनके लिए आदरणीय है। और ये राष्ट्र, कृतज्ञ राष्ट्र उनका अभिनंदन करता है। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे। आज चौथा दिन है, तो परीक्षित जी ने सवाल किया स्वामी जी से, महाराज आपने सूर्यवंश चंद्रवंश तमामों वंशज के राज राजाओं महाराजाओं की कथा आपने श्रवण करा दी अब तक, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। कहा बोलो, श्लोक देखना भागवत जी का। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोलो। तो परीक्षित जी कहते हैं कि अवतीर यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृत्वान्यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। पितामह मे समरे मरंजे देवव्रताद्यादिरिथैस्ति मिंगलै दुरत्ययं कवरौ सैन्य सागरम कृत्वा तरन्वत्स समं यदप्लवा। महाराज जब कौरव रूपी सैन्य सागर में मेरे वंशज पांडव लोग डूबे जा रहे थे, तब जिस भगवान ने बचाया था मेरे पूर्वजों को। द्रव्यस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जिगूपकुक्षिंगतयात चक्रु मातुश्च मेया शरणं गताय। जब मैं अपनी मां के गर्भ में जला जा रहा था, तब जिस पर आप पर ब्रह्म ने मेरी मां के गर्भ में मुझे बचाया था, मुझे उन भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। और यह बताओ, भगवान जेल में पैदा होकर के क्यों चले गए गोकुल, मथुरा में जन्म लेकर गोकुल क्यों गए? जब कई सारा सवाल पूछ लिया तो सुखदेव स्वामी ने मुस्कुरा करके कहा, राजा साहब अगर आपको भूख प्यास लगी हो तो जाओ कुछ जल जलपान कर लो, कुछ खा पी लो, उसके बाद आओ तब कथा सुनाते हैं। तो परीक्षित जी की आंखें भर गई। नहीं स्वामी, देखना श्लोक देखना भागवत जी का। परीक्षित जी कहते हैं नहीं साति दुस्साहुन्मा त्यक्तो दम अभिवाद्यते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बुजम् अच्युतं हरिकथामृतम्। स्वामी अन्ना हमें भूख लगी है और न प्यास लगी है, क्यों? का पिबन्तं त्वन्मुखाम्बुजम् अच्युतं हरिकथा अमृतम्। महाराज ये आपके मुख से जो अमृत निर्झरणी बाणी निकल रही है, इस कथा को सुनने के बाद न भूख लगी है और न प्यास लगी, न कुछ खाने का मन है, न सोने का मन है, न कहीं जाने का मन है। मन तो ये कहता है बस आपके श्री चरणों में पड़ा रहूं महाराज। जब इस तरह से जवाब दिया तो जितने लोग बैठे थे उन्होंने परीक्षित जी को धन्यवाद दिया है भागवत में। एवं निशम्य
भृगुनंदन साधुवादं वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्मषगणं व्याहरतुमारभत भागवत प्रदान। इस कथा को सुनने वाले जो जितने भाग्यशाली होते हैं उतना कथा कहने वाला भाग्यशाली नहीं होता है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। जो सुनने वाले जितने भाग्यशाली हैं उतना कहने वाला भाग्यशाली नहीं। हमारे आपके भाग्य में जानते हो कितना बड़ा अंतर है। ये दास एक छोटी सी चौकी पर बैठ करके कथा बांच रहा है और जो सुन रहे हैं वो जमीन पर बैठे हैं। जो सुनता है वो तो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, और जो कह रहा है वो चौकीदार है। ये गोस्वामी जी का मानस देखना। गोस्वामी जी ने लिखा कि जे गाव ही यह चरित्र सवारे दे यही ताल चतुर रखवारे। और रखवाली का काम कौन करता है? चौकीदार है, है। और राम कथा के पे अधिकारी जिनका सत्संग अति प्यारी। जिसको सत्संग प्रिय है वो अधिकारी है। परिस्थिति के लिए तालियां लगी, परिस्थिति को साधुवाद कि कम से कम वो लोग ये अवसर तो लेकर के आए। इसलिए आयोजकों सहयोगियों को सहृदय धन्यवाद। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन जब पृथ्वी अत्याचार से व्याकुल हो गई तो ब्रह्मा जी के शरण में गई और ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान की स्तुति किए तो आकाशवाणी हुई कि मैं वसुदेव के घर में अवतार लूं। मथुरा नाम की एक राजधानी है, वहां के राजा थे उग्रसेन। उनका बेटा कंस बड़ा उद्दंड था, उसने अपने माता पिता को हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया और मथुरा का आधिपत्य ले लिया। ध्यान देना शब्दों पर। कंस मथुरा का राजा हो गया तो भाई राजा जैसे होते हैं वैसे मंत्री भी होता है। समय आया तो कंस की एक चचेरी बहन थी परीक्षित जी, जिसका नाम था देवकी। ये देवक की पुत्री है। ये जब 16 साल की हो गई देवकी तो कंस ने एक कैबिनेट बुलवाई अपनी और कहा बताओ, ये बताओ कि देवकी का विवाह कहां कर दिया जाए। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और एक बात सुनना, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात के लोग झूठ बोले काम चल जाएगा, लेकिन तीन लोग जिस दिन झूठ बोल देंगे उस दिन सब मिट जाएगा। तीन लोग दुनिया में झूठ नहीं बोल सकते, कौन को जानते हैं? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म कन तीन को हो ही राजा के दबाव में सचिव सही बात न बोले। जो आज देश में आपके चल रहा है और मरीज के दबाव में डॉक्टर सही बात न बोला, सचिव वैद्य और यजमान और शिष्यों के दबाव में आचार्य और गुरुजन न बोले। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस तो राज धर्म तन तीन कर हो ही नास। कन्या का विवाह किसी ने उसको सलाह दे दी, महाराज आपके घर की 6-6 बेटियां वसुदेव को ब्याही हैं और आप इतने बड़े राजा जब बेटी का विवाह करोगे तो झुकना पड़ेगा, चले जाओ वही वसुदेव जी के यहां कर दो, देवकी जी का छुट्टी करो।
अभिमान में। और बेटी का विवाह कहां करना चाहिए? बेटी सबके है, एक से एक शिक्षा लेते जाओ यहां से। बेटी का विवाह कहां करना? तो कहा कुलम च सीलम च सनातता च विद्या च वपुरश्च नितिभाग वैभव एतानि सप्तकं निरीक्ष देया कन्या बुधै से समचिंतनीय। जहां कुल ठीक हो, और गोस्वामी जी कहते नहीं, गोस्वामी जी ने उसमें भी टिप्पणी कर दी है। गोस्वामी जी ने कहा कि जो घर बर कुल हो ही अनुपा तब भी विवाह नहीं करना चाहिए। कहा फिर? कहा करिए विवाह सुता अनुरूपा। बस ज्यादा व्याख्या नहीं। आइए, देवकी का विवाह करने के लिए कंस गया बसदेव जी के घर, और बसदेव जी देखे तो डर गए। अरे महाराज, आप बोल दिए होते मैं राजमहल चला आता, आप क्यों चले आए? और एक बात सुन लो, संसार में जब नीच आदमी आपसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करना शुरू कर दे तो यह मान लेना कि उसकी कोई बहुत बड़ी जरूरत है आपसे। नीच नवनिकर अति दुखदाई, ये रामायण कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। नीच नवनिकर अति दुखदाई, जब ये नीच लोग जब आपसे बड़े प्यार से बोलना शुरू कर दे तो ये मान लो कि 100 200 500 हजार का चूना जरूर लगना है आपको, बच नहीं पाओगे। इसलिए इनसे दूर रहिए, इनसे दूर रहने में ही भलाई। आइए विषय पर। कंस ने कहा विवाह करना है, बसदेव तैयार नहीं है तो कहा काट कर फेंक दूंगा। सोचे विवाह न करूं तो ये पापी मार डालेगा, करूंगा तो नई नई पत्नी आएगी, उससे दिक्कत। चलो ठीक है, बसदेव जी आए, विवाह भी हुआ परीक्षित जी। और इसलिए हाथी घोड़े रथ, भागवत में ऐसे लिखा है, मूंगा मोती माणिक सब दान दिया। और कंस अपनी बहन से इतना प्यार करता था कि दासी नाम सुकुमारी नाम द्वय सते समलंग करते, 200 दासियां देवकी की सेवा करने के लिए कंस ने भेज दी। और रथ पर बैठा करके देवकी को खुदे भेजने के लिए चला। ये देखो, आज का कोई भाई होता तो कहता ड्राइवर से ले जाओ छोड़ आओ, लेकिन वो अपनी बहन से इतना प्यार करता है कि रथ पर बैठाकर छोड़ने चला। और रास्ते में आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंसमा भास्यहा शरीरवाक अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहती बुधा। अरे पापात्मा, जिस बहन को तू इतनी लाड प्यार के साथ भेजने के लिए जा रहा है, इसका होने वाला आठवां गर्भ तुम्हारा काल होगा। देखिए, न पुत्र लिखा है न पुत्री, अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भ हो। और गर्भ से बेटा और बेटी दोनों पैदा होते हैं। कंस ने रथ को रोक दिया और देवकी के केस को पकड़ करके उतार दिया, चला मारने। तो बसदेव जी ने कहा मत मारो महाराज से। अरे अरे, बड़ी बहुत जमकर बसदेव जी ने प्रशंसा की है कंस की। महाराज, ये आपकी छोटी बहन है, आपके बेटी के समान है, इसके हाथों की मेहंदी तक अभी नहीं छूटी है, विवाह की उम्र नहीं जा रहे हो। तो कंस ने कहा क्या मर जाऊं? तो बसदेव जी ने कहा मरना तो है महाराज एक दिन, बिना मरे तो फुर्सत नहीं है। क्यों? बसदेव जी कहते मृत्यु जन्म वतांबीर देहे न सा जायते
अद्यवाब्द सतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः। अरे जीवन में कुछ निश्चित नहीं है, एक ही चीज निश्चित है, उसका नाम है मौत। और ये जिस दिन आ गई ना, लेकिन कवियों ने कहा है होती तो मौत बड़ी गजब की चीज है, ये सच है। होती तो मौत बड़ी गजब की चीज है, जो एक बार उसे देख लेता है, पा लेता, वो फिर जीना नहीं चाहता। और कवियों ने लाइनें दी कि सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, क्या बात है, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के मिट्टी की
वसुदेव जी ने कहा, महाराज न बचा कोई पंडित वेद पढ़े, न बचा कोई ऊंच उठाए अटा, न बचा कोई जंगल वास किए, न बचा कोई ऊंच शीश रखाए जटा। दिन चार छला बलया तुलसी, नर नाहक को यह ठाट ठटा, भला जो चाहो सिया राम भजो, नहीं आई सबेरे उकाल डटा। वसुदेव जी ने कहा इसको मत मारो। कंस ने कहा क्या करें, कहा इसको छोड़ दो, इसके जितने बेटी बेटा पैदा होंगे मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा। ये आप मुझ पर भरोसा कीजिए, इसको छोड़ दो। अच्छा, इस बात पर कंस तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि कंस एक बात बड़ी विलक्षणता से जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। अब बताओ, आदमी अपना चाहे दिन भर झूठ बोले, लेकिन साथी वो भी ईमानदार ही चाहता है। मतलब सत्य की कदर है। चोर लोग चोरी एक साथ करेंगे, और जब धन बांटना होगा तो कहेंगे भाई बेईमानी मत कीजिए, अपना क्या करके आ रहे हैं वो भूल गए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समाज राष्ट्र की विपरीत। वसुदेव जी के बात पर कंस यकीन करता था कि ये कभी असत्य नहीं बोलेंगे। लाकर जेल खाने में डाल दिया परीक्षित, और कीर्तिमंतम प्रथमजम। कुछ समय बीता, एक बेटा वसुदेव जी के यहां पर। वसुदेव जी उसे लेकर के गए, लेकिन कंस ने कहा नहीं मानी। अंत में नारद जी की प्रेरणा से भागवत में लिखा है कि हते सुखते सुबालेषु देवक्या अग्रसेनिना। देवकी के छह पुत्रों को कंस ने पटक पटक करके मार डाला। सातवीं बार उस परात पर सत्ता का, जिसके जिसको बड़े बड़े अवलाद का परमहंस योगींद्र मुनींद्र ध्यान धारणा समाधि यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार से पार नहीं पाते, उन्होंने शेष के अवतार के रूप में कहा देवकी के गर्भ में जाने की, और योग माया से कहा कि देवकी का वो गर्भ खींच करके तुम्हें रोहिणी के गर्भ में डालना है। सातवीं बार देवकी जी गर्भवती हुई तो योग माया ने देवकी का वो गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। इसलिए बलराम जी देवकी के भी बेटे हैं और रोहिणी के भी बेटे हैं, क्योंकि एक ही गर्भ को दोनों माताओं ने धारण किया। भगवान ने योग माया को बुला करके आदेश दिया, देवी योग माया एक काम तुम्हें करना है, अगर तुम जा करके योग माया के रूप में कन्या के रूप में जन्म ले लेना और कंस को यह बता देना कि मैं आ गया हूं, और पूरे ब्रजवासियों को सुला देना और देवकी का गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल देना। इतना काम अगर योग माया तुम हमारा कर दो तो कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा करेंगे कलयुग के मनुष्य। कैसे? तो कहा कि दुर्गे भद्रकालेति विजया वैष्णवीति चा कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कान्केति च। तुम्हारा कलयुग में नाम दुर्गा होगा, वैष्णो देवी होगा, ज्वाला माई होगा, कालिका माई होगा, ललिता माई होगा, शारदा माई होगा, विंध्यवासिनी होगा,
नाम धेयादि कुर्वन्ती अस्थानानि नरा भुवि। और तुम्हारे जगह जगह स्थान होंगे और कलयुग की तुम देवी बन जाओगे। भगवती योग माया चली आई भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए। देवकी जब आठवीं बार गर्भवती हुई तो कंस ने सिक्योरिटी व्यवस्था थोड़ी टाइट करा दी और कहा देखना भगवान महारानी देवकी के गर्भ में आ गए। और एक सबसे बड़ी बात, जब भगवान माता देवकी के गर्भ में आए, भगवान के आने का समय हो गया है परीक्षित। कंस का अत्याचार चरम पर है, भगवान आने वाले हैं। और आइए, गोविंद आने वाले हैं, उनका हम सब लोग स्वागत करेंगे तालियां लगाते हुए। भगवान के आने का आप सब लोग स्वागत करें और कहिए कि हमारे जीवन में आकर के ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन करें। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम Yeah.
नदियां दिशाएं वन पर्वत सब शांत हो गई। परीक्षित जी जगो किन्नर गंधर्वा तुष्ट सिद्ध चारणा विद्याधर तुष्ट अप्सरो विषम मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा जगुरुजुरं सागरम। लेकिन हे महाराज समय आ गया। निशी थे तमुद्भूते जायमानी जनार्दनी। रात्रि के 12 बजे हैं भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को वो सर्वाधार कारण करवावर वाले भक्तवान चाकर बतरु अपने मां देवकी और वसुदेव के सामने दिल खाने में प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लेकिन भगवान का स्वरूप बड़ा मंगल है। तमद्भुतं बालकयम्बुजी क्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महावैरूर्य किरीट कुंडल तुषापरिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम् उद्दाम कांचांगद कंकणादिभिः विरोचमानं वसुदेवैक्षत। भगवान की मंगलमयी स्तुति कर रहे देवता लोग। बड़ा सुंदर वातावरण है। स्तुति करते करते देवकी और वसुदेव रोने लगे। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा अभी कंस को पता चलेगा तुम्हें मार डालेगा। तो भगवान ने कहा कि आप मुझे लेकर चलिए गोकुल छोड़ दीजिए। ये मेरी प्रवर्तनी माया है। सारे लोग सो रहे हैं कोई जग नहीं रहा है। सब सो रहे हैं। बालक वसुदेव को बालक को लेकर के वसुदेव जी महाराज सब लोग स्थान पे अपने चलते हैं। बालक को लेकर के चलते हैं महाराज सेरा बालक को लेकर के चलते हैं। और भागवत में वर्णन है मार्गम ददो सिंदूरी वप श्री आपति सेरा महारानी जमुना जी ने रास्ता दिया और भगवान को लेकर के वसुदेव जी मथुरा गोकुल से गोकुल गोकुल आए।
यशोदा रानी सो रही है, कन्या का जन्म हुआ है और कन्या को उठा करके बसदेव जी लेकर के चले गए, कन्या को उठा करके लेकर के चले गए। जब ले गए वहां पर रात्रि में हल्ला हुआ कि देवकी के आठवां गर्भ से कन्या पैदा हुई है, तो कंस मारने के लिए, और कन्या को जब पकड़ना चाहा परीक्षित, वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में चली गई और उसने कहा तुम्हारा मारने वाला काल ब्रज के धरती पर जन्म ले चुका है, तू बदला लेने के लिए सोच। और इधर नंद जी के यहां जब 4 बजा सुबह ना, तो नंद की एक बहन थी जिनका नाम था सुनंदा, वो दौड़ी दौड़ी गई यशोदा रानी के पास और क्या देखा, एक नवजात लाला खेल रहा है, बड़े तेज चिल्लाई वो लाला भे लाला भे लाला भे, बधाई हो बधाई हो, इतना तेज चिल्लाई पूरे राजमहल के लोग उठ करके बैठ गए। आइए उस वहां पर नंद महोत्सव मनाया जाने लगा, आप लोग तालियां लगाते हुए बधाई दे। नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो, लाल की जय, मदन गोपाल की जय, लाल
पूरा सिलसिला। तबला बढ़ा दीजिए बेस थोड़ा। We'll be right back.
हरे आमाय दगं हवि प्रजननम मे अस्तु दशवि दगं सर्वगणगं स्वस्थाय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्ता चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोता द्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्रियाकान्ताय देवाय कल्याणाय श्रीश्रां श्रीभयङ्करनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीये गुणाब्धे चक्रवर्ते तनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती I'm
शीतलेतम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः हस्तै पुष्पादिवंदनम देवादिवंदनम आत्मचिंतनम हरिः कामायज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हराकं बहिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः सुगन्धभल्ले शतपात्र जात सुवर्ण चंपा बकुलोद्भवानी ग्रहाण देवेशि मयार्पितानि प्रभो हरे श्री पुष्पाञ्जलानि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्राण परमेश्वरा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः तेनेव प्रत्यक्ष वांगवै मूर्ते श्री कृष्णचंद्राय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय सावरिये सेठ की जय अंबा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गंगा सरयू महारानी की जय अयोध्या नाथ भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राम जन्मभूमि के कृष्ण जन्मभूमि के जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हो अखंड भारत राष्ट्र की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो भारत माता की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु सभी भक्त अपने यथा स्थान पर बैठ जाइए और आरती का दर्शन लीजिए
आरती का दर्शन करें और प्रसाद लेकर के आप लोग यहाँ से यथास्थान प्रस्थान करेंगे। शांति का परिचय देते हुए ये आप लोगों के समक्ष अवध धाम से पधारी हुई